दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमने 4K के बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर चाहे वो 4K टीवी हो, 4K मोबाइल फोन्स हो, 4K कैमरास हो, 4K वीडियोस हो, वगैरह वगैरह। अब ऐसे में 4K के बारे में इतना सुनने के बाद हमारे मन में बहुत से कन्फ्यूजन रह जाते हैं, तो आप भी बुरे देखते रहिए और मैं आपके उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 4K होता क्या है। देखिए, 4K एक रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड है, ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है। 4K कैमराज या 4K वीडियोस जो हैं, ये अभी कल परसों की बात नहीं है। इनको आए हुए मार्केट में, 4K टेक्नोलॉजी को आए हुए मार्केट में, वीडियोस को, डिस्प्लेज को, प्रोजेक्टर्स को मार्केट में आए हुए काफी काफी साल हो चुके हैं। यूट्यूब ने इवन 2010 से 4K में अपलोड जो था वो इनेबल कर दिया था, यानी कि करीब करीब 5 साल तो यूट्यूब को इनेबल करे हुए हो गए हैं 4K। उससे पहले सोनी ने बहुत साल पहले, करीब 10 साल पहले 4K प्रोजेक्टर को लॉन्च कर दिया था। आज से करीब 15 साल पहले 4K कैमरा भी मार्केट में आ चुका था। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में इस टेक्नोलॉजी के बारे में इतना इसलिए सुना है क्योंकि वो काफी चीप हो चुकी है, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आपको बहुत से डिवाइसेस में टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। इसीलिए आज की डेट में 4K की जो टेक्नोलॉजी है वो इतने तक कॉमनली हम यूज करते हैं और हम इसके बारे में बहुत ही आसानी से बात करते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि 4K होता क्या है। तो देखिए, 4K एक रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड है, आप उसको प्लेबैक के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं और आप उसको रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप 4K का कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं और 4K के कंटेंट को आप प्ले भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, रेजोल्यूशन जैसे हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था मेरी पुरानी जो वीडियोस थी PPI वगैरह के बारे में, उन सब के बारे में भी, कि देखिए जो डिस्प्ले है आपका उसमें छोटी छोटी यूनिट्स लगी होती है जिनको हम पिक्सल्स बोलते हैं। 4K में क्या होता है, आपके पास में 3820 पिक्सल्स होते हैं हॉरिजॉन्टली और 2160 पिक्सल्स जो होते हैं वो होते हैं वर्टिकली। यानी कि हॉरिजॉन्टली करीब करीब 4000 पिक्सल्स होते हैं, वो 3000 जो 840 है उसको हम करीब करीब 4000 मान लेते हैं और इसीलिए हम इसको 4K बोलते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसके पास में जो है वो 4000 पिक्सल्स हैं। अभी 4K का जो स्टैंडर्ड है वो एकदम सेट नहीं है। अभी नॉर्मल जो आपको डिवाइसेस देखने को मिलता है वो मिलता है आपको 3840x2160, लेकिन जो थोड़े अलग जो DCI फॉर्मेट है उसमें आपको देखने को मिलता है 4096x2160। फिर इसमें अगर मैं बात करूं 4K एकदम अल्ट्रा वाइड स्क्रीन की तो आपको एक अलग रेजोल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप इतना मानिए कि ये करीब करीब 4000 के आसपास के जो पिक्सल्स हैं वो आपको ऐसे मिलते हैं और करीब करीब 2000 जो पिक्सल्स हैं वो आपको ऐसे मिलते हैं। एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड की बात करूं तो वो है 3840x2160। अब दोस्तों देखिए, ये जो है ये 4K टीवी है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब इस टीवी में आपको यहां से लेके अगर आप इस कोने तक अगर आप गिनेंगे पिक्सल्स को तो आपको वो मिलेंगे 3840, और अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक उन पिक्सल्स को गिनेंगे तो वो आपको मिलेंगे 2160। अब दोस्तों, फुल HD और 4K में फर्क क्या है। तो देखिए, फुल HD का जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 1920 और 1080। तो अगर मैं उसको डबल कर दूं चौड़ाई में और मैं उसको अगर डबल कर दूं ऊंचाई में तो मुझे मिल जाएगा 4K। यानी कि इस स्क्रीन में अगर मैं बात करूं तो केवल इतने एरिया में एक फुल HD स्क्रीन जो है वो आ चुका है। वैसा वैसा एक फुल HD यहां पे भी है, वैसा वैसा एक फुल HD नीचे भी है और वैसा वैसा एक फुल HD इधर भी है। तो यानी कि अगर मैं 4 फुल HD स्क्रीन्स को ऐसे कनेक्ट कर दूं, 2 इधर और 2 नीचे, तो जो मुझे पूरी एक पिक्चर मिलेगी उसका जो साइज होगा वो होगा 4K। फिर हम बात करते हैं देखिए 2K की। तो 2K का जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 720p के स्क्रीन को अगर मैं 4 बार ऐड कर दूं तो वो मुझे मिल जाता है 2K। यानी कि 1280 और 720 के स्क्रीन को अगर मैं 4 स्क्रीन अगर पास-पास लगा दूं तो वो जो टोटल रेजोल्यूशन मिलेगा मुझे वो मिलेगा मुझे 2K का। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 4K के रेजोल्यूशन की तो जो इसका टोटल रेजोल्यूशन होता है स्क्रीन का वो होता है 8 मेगापिक्सल का, क्योंकि चौड़ाई जो है वो करीब करीब 4000 के आसपास है, जो ऊंचाई है स्क्रीन की वो करीब करीब 2000 पिक्सल्स के आसपास है। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं करीब 80 लाख, यानी कि करीब 8 मिलियन पिक्सल्स। अगर मैं बात करूं फुल HD की तो ये होता है 2 मिलियन पिक्सल। आप जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि अगर इस पूरे स्क्रीन में 8 मिलियन पिक्सल्स हैं और अगर 4 फुल HD स्क्रीन्स हैं तो 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, तो टोटल आपको 8 मेगापिक्सल जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी है वो फुल HD से 4 गुना अच्छी है। अब दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूं 4K कंटेंट की। तो देखिए, टीवी आपके पास में 4K है, आपने लेटेस्ट टीवी ले लिया, लेकिन जब तक आपके पास में 4K कंटेंट नहीं है तब तक आपको उसको देखने का मजा इतने अच्छे से नहीं आएगा। आप अपने फोन से 4K की जो वीडियोस हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इंटरनेट से कुछ 4K मूवीज को डाउनलोड कर सकते हैं, आप यूट्यूब के कुछ 4K वीडियोस प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नॉर्मल जो हम टीवी देखते हैं, नॉर्मल जो हमको चैनल्स देखने को मिलते हैं, वो अभी भी फुल HD में ही आते हैं, वो अभी भी 4K में नहीं आते हैं। इसके लिए वो वीडियो जो है वो 4K स्क्रीन पे खराब ना लगे, बहुत से टीवीज में जो 4K टीवीज हैं लगभग सभी में ही आपको UHD अपस्केलिंग के नाम से एक फीचर मिलता है। दोस्तों, वो फीचर क्या करता है कि जो एक 1080p का जो फुल HD का आपके पास में एक वीडियो है वो उसकी पिक्सल डबलिंग कर देता है, यानी कि हर एक
पिक्सल को डबल डबल कर देता है साइड में भी और ऊपर भी। अगर आप उस पिक्सल को डबल डबल कर देंगे तो आपको जो एट द एंड उस वीडियो का रेजोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा आपको 4K का। तो वो वीडियो अगर आप अपस्केलिंग के बाद में अपने 4K टीवी पे देखते हैं तो वो आपको कुछ अच्छी लगेगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको कमर्शियली 4K का जो कंटेंट है वो कब अवेलेबल होगा, दोस्तों आने वाले 2-3 साल तक तो चांस बहुत बहुत कम है। उसके बाद में आपको हो सकता है सभी चैनल्स जो या पॉपुलर चैनल्स हैं वो 4K में आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसके लिए 4K में उनका बनना जरूरी है, 4K में प्रोसेसिंग जरूरी है, 4K में ट्रांसमिशन भी जरूरी है। तो ट्रांसमिशन की जो स्पीड है जो आपके घर पे जो आपने डिश टीवी एंटीना लगाया होता है तो वो एंटीना जो है वो 4K में कंटेंट ले पाए सैटेलाइट से इतनी हाई बैंडविड्थ को वो सपोर्ट करे, तो ये टेक्नोलॉजी आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं 4K रिकॉर्डिंग की। तो देखिए मोबाइल फोन्स, 4K कैमरास, 4K हैंडीकैम्स, 4K डिजिटल कैमरास, रिकॉर्डिंग करने का जो मीडियम है वो आपके पास में बहुत ज्यादा है। आपने एक बात सुनी होगी कि 4K रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 12 मेगापिक्सल का कैमरा होना जरूरी है। जैसे कि आपने देखा भी है कि एप्पल ने इस साल आईफोन 6s और 6s प्लस में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था, तब जाके उनके फोन में 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया था। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो तो होता है 8 मेगापिक्सल, अब कैमरा क्यों चाहिए 12 मेगापिक्सल का रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखिए स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है यानी कि उसकी जो चौड़ाई और जो उसकी ऊंचाई जो है पिक्सल्स की, उनका जो रेशियो है वो होता है 16:9, यानी कि अगर 16 पिक्सल ऐसे होंगे तो 9 पिक्सल ऐसे होंगे। लेकिन जो हमारे मोबाइल फोन का सेंसर होता है उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है 4:3, यानी कि हर 4 पिक्सल अगर ऐसे होंगे तो 3 पिक्सल ऐसे होंगे। तो अगर मैं उसको 16:9 से अगर मैं कंपेयर करूं तो वो बन जाता है 16 और 12। ऐसे में अगर मेरे पास में एक 8 मेगापिक्सल का अगर मेरे पास में सेंसर है तो उसकी चौड़ाई जो है वो इस सेंसर की इतनी नहीं होगी कि उसके अंदर 4000 पिक्सल आपको देखने को मिले। तो इसीलिए आपको एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करना पड़ेगा। उसका जो रेजोल्यूशन होगा वो मिलेगा आपको 4000 पिक्सल और 3000 पिक्सल, उसमें से आप कुछ पिक्सल कैसे क्रॉप कर दीजिए अगर ऊपर और नीचे से, तो आप अपनी हाइट को एडजस्ट कर लीजिए 2160 पे, चौड़ाई आपको जो मिल रही है 4000 आप उसमें से भी कुछ क्रॉप कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 3840 और 2160 के जो पिक्सल्स हैं आपको वो मिल जाएंगे और आप 4K रिकॉर्ड कर पाएंगे। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि 4K टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो देखने के बाद में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कुछ सवाल है तो आप प्लीज नीचे कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर से लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना टेक्नोलॉजी की वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।